Surbhi Chandna and Namit Khanna's show Sanjeevani 2 went on air yesterday on Star Plus, and here we bring to you a fun co-star secret segment with them. So without any further ado, let's begin. Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. Your first impression of each other? याद करो फर्स्ट डे कब मिले थे? हमने एक ऑडिशन किया था. एक मॉक शो किया था साथ में. It was, first impression. Good, we tried full professional. मतलब सवाल तो ऑडिशन पे ही इसके शुरू हो गए थे, which is a good thing to know what you're going to do and how you need to do it. So yeah, I had full respect. I kind of figured कि यार वो इतने सालों का experience है तो साल इतने तुम क्या मुझे इतना senior दिखा रहे हो इतने सालों का ये क्या होता है कुछ साल तो है ही ना नहीं यार मेरे पहले meeting में तो बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं थे हमने एक scene साथ में किया था mock shoot you think about somebody else I know that day first scene you shot together our first scene together no हमारा comfort एक हमने workshop की थी साथ में तो हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ पता है बट यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वी हैव टू गिव ईच अदर सम स्पेस एंड टाइम हर किसी को ओपन अप होने में और हर किसी को इस कंफर्ट में घुसने में एक केमिस्ट्री बिल्ड करने में वक्त लगता है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो इनिशियली इतने कंफर्टेबल भी नहीं है ना तो बहुत अच्छा है क्योंकि स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत लगता है Correct. वो हल्की सी टेंशन हल्का सा जो भी व्हाटएवर आई थिंक इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक वी आर स्टिल डिस्कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ईच अदर एंड या आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग साथ में कैरेक्टर्स के साथ में ग्रो करें यू नो एंड एज वी गो अहेड लाइक शी सेड and wo ho raha hai I mean I think we both can and with all the other characters also we can feel that progression and then discovering few things yeah. about our characters also correct ke ishani kaise situation mein kaise react karegi ya sid ek situation mein kaise react karega bahar wo bahar nikla hai correct tumne episode dekh liya hai nahi hame janna hai okay tumhe janna hai to ye sawal hai ki humne ek scene upar kiya tha jahan main inko pakad lete hu ghus lete hu aur main inki vaat laga deti hu ki tum cheat ho aur inki main shirt phad deti hu और पूरा वन टेक शॉट था फ्रॉम स्टडी कैंप पे ऊपर से नीचे आते हुए पूरे हॉस्पिटल को रिवील करते हुए बट हमने बहुत बार दिए थे वो वन शॉट वन थिंग यू वांट टू टेल योर कोस्टार व्हिच यू हैवंट टोल्ड देम टिल नाउ नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है गुड लक इफ यू हैड टू लर्न वन थिंग फ्रॉम योर कोस्टार व्हाट विल इट बी द आर्ट ऑफ स्पीकिंग सो वेल I think Namit is extremely intelligent. इन ये काफ़ी मुझे ऐसा लगता है इनकी फोटोग्राफी में भी बहुत शौक है इनको बहुत सारी अदर चीज़ों में भी शौक है तो कुछ चीज़ें मैं इनसे सीखना चाहूँगी बट हमें वक्त नहीं मिलता पर जैसे ही वक्त मिलना शुरू होगा मैं और ये बहुत अच्छा बात करते हैं मुझे लगता है बुक्स भी पढ़ते हैं हाँ पिक्चरों का नॉलेज है तो आई थिंक किसी दिन बैठ के हम वो सब करेंगे वन थिंग दैट इर्क्स यू एंड यू वांट टू चेंज अबाउट ईच अदर अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है बट ये बताएगा इसको मेरे में क्या इरिटेटिंग नहीं मुझे कुछ नहीं लगता क्यों तुम डर रहे हो क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसकी वाट लग गई देयर इज नथिंग आई मीन अभी लाइक शी सेड अभी तो एक दूसरे को हम जान रहे हैं एंड इरिटेशन टाइम ही नहीं इरिटेट होने का आई मीन वी आर सो इन्वॉल्वड इन आवर सीन्स एंड लाइक रिहर्सल करते हैं आई मीन दैट कैमराडरी इज देयर ऑलरेडी यू नो लाइक वी आर देयर फॉर ईच अदर व्हेनेवर वी वांट टू रिहर्स इट एक बार नहीं तो पांच बार भी कर लेते हैं करते हैं मतलब फिजिकली भी रिहर्स करते हैं व्हिच इज मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आई थिंक विल बी ओपन टू सजेशंस आल्सो कल जाके मुझे नमित ये बोलेगा कि सुरभि मुझे ऐसा लगता है तू इसको ऐसे ले सकती है ऐसे कर सकती है तो आई वुड लव टू हियर समथिंग लाइक दिस फ्रॉम हिम एंड लव टू इनकॉर्पोरेट इफ आई थिंक कि ये किया जा सकता है इफ यू हैड टू आस्क वन क्वेश्चन टू योर कोस्टार व्हाट विल इट बी क्या पूछूं तुम्हें मेरे बारे में और क्या अच्छा लगता है नमित बता दो तेरे बारे में क्या पूछूं क्या मतलब मेरे बाल कैसे लगे तुम्हें I like it. I like the way you gone short. Yeah, you think so? तुझे मेरे बाल कैसे लगे? मुझे नमित की जो एक चीज़ अच्छी लगती है मैं पूछना तो कुछ नहीं चाहूँगी वो अपने डाइट को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं और कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि इनके चक्कर में मैं फंस जाती हूँ Who takes maximum retakes? Nobody. ये इनको सबसे अच्छी बात इनकी मैंने कुछ दिनों बाद डिस्कवर की कि ये रट्टा बड़ा अच्छा हेलो नहीं अच्छी लाइनें एकदम इनको सब याद रहती हैं वी ट्राई टू वर्क ऑन द मूड्स ऑन द लाइंस उनको कैसे डिलीवर करेंगे एक्चुअली वी शुड नॉट थिंक सो मच वी शुड बी मोर ऑर्गेनिक या एंड आल्सो डिपेंड करता है हर दिन अलग होता है हर सीन अलग होता है एनवायरनमेंट अलग होता है स्पीड होती है ना 4x में ये इंटरव्यू वैसा है क्या करती चलो 16x या हु एंड्स अप लाफिंग इन द मिडल ऑफ अ सीरियस सीन मी
बट अभी तक ज्यादा हुआ नहीं है। अरे एक सीन मुझे याद है, हमने एक सीन किया है ऊपर लुक लुक वाला, नहीं हम लोग कहाँ थे वो ऊपर जहाँ तू हंस दिया वो ऊपर याद है? अच्छा यहाँ पे भी तो थे एक सीन कॉरिडोर में, नहीं एक सीन हमने ऊपर किया था, हम लोग स्टोरेज रूम है हमारा और हम लोग को लुक लुक करना था और मैं थोड़ी हैवी वेरी हैवी जहाँ पे रोन नहीं था सानिया वो उसमें दी नीचे ऐसे हम लोग लुक लुक कर रहे हो उतने में मेरा मेरे पे कैमरा है और ये जगह और मैं कह यार तू हंस मत मेरे, क्योंकि एक बार मेरी हंसी छूटती है फिर छूटी जाती है। कुछ फनी हुआ था ना उस वक्त क्या मेरे साथ तेरे को एनीवे कैसे सटल हंसता ना ये कितना सटल हंसा हु इज ऑलवेज लेट फॉर द शूट बट मेरे को नहीं पता मतलब वो प्रोडक्शन का मामला है, मैं भी चुपके से आता हूँ। ये सब बोलने की बात नहीं होती, चुपके से आता हूँ। हाँ एक्चुअली सामने से आता हूँ। ओके हु रिक्वायर्स मैक्सिमम टचअप्स? ऑफ कोर्स हम लोग को टचअप ज्यादा लगते नहीं है, यू नो ऑफ कोर्स तेरे को ही लगते हैं मतलब मैं तो भूल जाता हूँ। रोहित जी मैं एक्चुअली यू नो एवरीबॉडी सब टचअप कराते हैं तो जब उनका टचअप हो रहा होता है तो मेरे साथ भी वो आ जाते हैं मेरा करवा लेता हूँ मेरा भी रोहित जी हु इज नेवर सैटिस्फाइड विद वन टेक आई थिंक वी आर गेटिंग देयर क्योंकि हम थोड़ा इनिशियली सीख भी रहे हैं ना कैसे करना है क्या करना है तो अभी तो हिकअप्स आते हैं बट बाय द नेक्स्ट एक दो महीने राहुल ऑलवेज वांट्स अनदर टेक राहुल जो हमारे डॉक्टर ऋषभ सर अच्छा नहीं था सर एक और किया जा सकता है नेक्स्ट 16x तुम्हारा बैक है नहीं नहीं सर एक और हां हां सॉरी हु स्लीप्स ऑफन ऑन द सेट्स स्लीप्स आई लव स्लीपिंग बट हमें मौका नहीं मिलता ये जो मेरे पिछले शो में थे मैं सो जाती थी अब तो मुझे मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हम लोग 12 घंटे आते हैं और बैक टू बैक सीन्स करते हैं बट मजा आता है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गाइस हैव गॉटन टिल नाउ आई थिंक मुझे थोड़ा सा मुश्किल था फ्रॉम द प्रीवियस केमिस्ट्री टू कम इनटू अ न्यू वन बट लोगों ने प्रोमोस देख के तारीफ की है जो थोड़े बहुत मेरे क्लोज वंस हैं उन्होंने कहा अच्छे लग रहे हैं साथ में बाकी तो यार अब एपिसोड्स में देखेंगे जो होगा देखा जाएगा प्लीज कम एंड वॉच अस ऑन द 12th ऑफ ऑगस्ट 7:30 PM ऑन स्टार प्लस एंड हॉट स्टार विद योर एंटायर फैमिली फ्रेंड्स अंकल आंटी डॉग्स कैट्स हूएवर यू वांट टू बी Give us your love and we will show you our love. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, I'm Surbhi Channa. मैं हजार बार बोल चुकी हूँ मैं इंडिया फोरम्स पे ही दिखाई देती हूँ आपको and you're watching India Forums. और this is Namrit Khanna and आप देख रहे हैं India Forums. Thank you. We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavra, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.